नीतीश कुमार के बयान में बिहार की बच्चियों की जो अच्छी बात दब गई वो भी हम आपको बताएंगे। ये सच है कि बिहार में मैट्रिक पास छात्राओं की संख्या 24 लाख से बढ़कर 55 लाख से ऊपर, इंटर पास छात्राओं की संख्या पहले 12 लाख 55 हजार थी, अब 42 लाख से ऊपर, ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या 4 लाख 35 हजार से बढ़कर 34 लाख के पार हो गई है। लेकिन इतनी सी बात बताने में ओछेपन की सीमाएं तोड़कर मुख्यमंत्री जब माफी सदन में मांगते हैं तब भी जैसे एहसान करते हैं, क्योंकि उनके ही मंत्री ठहाके लगाते दिखे। मंगलवार के बयान पर बुधवार को जब सदन की तरफ नीतीश कुमार पहुंचते हैं, पहले बाहर बीजेपी की महिला विधायकों के घेराव का सामना करते हैं, फिर अंदर भी बीजेपी विधायक इतना हंगामा करते हैं कुर्सी तक उठा लेते हैं। कुर्सी की उठा पटक के बीच अब जाकर बीजेपी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो वक्तव्य कल दिए हैं उनके सत्ता पक्ष के महिलाएं भी सर को झांपे हुए पूरी महिला का अपमान किए हैं। महिलाओं का ये मां जानकी की धरती है महोदय, ये शक्ति की भूमि को लज्जित किए हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो मेंटल हो चुका है महोदय, एक मेंटल मुख्यमंत्री बिहार का कुर्सी नहीं संभाल सकता। माफी मांगने के नाम पर चलते हंगामे में बिहार सरकार के मंत्री का ठहाका पहले सुनिए। नहीं नहीं, ये देख लीजिए जरा तमाशा। नहीं नहीं, कूद जाइए। इन्हीं ठहाकों और विरोध के बीच महिलाओं के अपमान पर नीतीश कुमार माफी मांगना शुरू करते हैं। मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री के सामने पोस्टर दिखाकर नारेबाजी करते हैं। आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं। मुख्यमंत्री के इस बोल पर सदन के सभापति तारीफ में जुट जाते हैं। लोगों को सुविधा की जाएगी, आपके बड़प्पन है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है, ये लोग निंदनीय हो गए। हमारे कोई शब्द पर इतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं। खुद की निंदा से लेकर अपने पर शर्म और दुख तक जताने में नीतीश कुमार पहुंच गए। हम उसको न सिर्फ शर्म कर रहे हैं बल्कि हम दुख प्रकट कर रहे हैं और अपनी उस बात को समाप्त कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। एक एक चीज हमने कह दिया तो इसलिए कह रहे हैं। इस बीच राबड़ी देवी ने कहा गलती से नीतीश बोले होंगे। सदन चलने देना चाहिए, सदन के भीतर माफी मांगते नीतीश कुमार ने जोर दिया कि बीजेपी दिल्ली के इशारे पर हंगामा कर रही है। अब ये लोग जो बोल रहा अंडमान इसको कहा गया होगा, ऊपर से आ गया होगा कि बड़ा भारी काम हो रहा है बिहार में, अब तुम ऐसा करो कि निंदा करो और मेरे खिलाफ करो। अकल बोलिए बेचारे, वो और ये कोई खिलाफ बोले। अब लेकिन आ गया होगा रात में इन लोगों को खबर, तो इसीलिए अगर कोई एक शब्द मैं उसको वापस करता हूं और मैं दुख प्रकट करता हूं और कोई भी हमारी निंदा किया है मैं उसका अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री चाहते तो अपनी सरकार की उपलब्धि बहुत आसान शब्दों में बता सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार उस प्रक्रिया को बताने लगे जिसे कहने सुनने में सभी सहज नहीं रहते। उनके चेहरे पर तब आती मुस्कान ने महिलाओं को और भी अपमानित किया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री तक इसे दुनिया भर में अपमान करने वाला बयान बताने लगे। जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने
विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये वो नीतीश कुमार अब रहे नहीं। इंडी अलायंस के ये प्रधानमंत्री के दावेदारों में इनकी पार्टी लगती है, इनको बनाने में। लेकिन अब ये स्टेटमेंट के बाद नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे, लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, उसको बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों की मानस से गिर गए। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहां पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज्यादा पढ़ेंगी, वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो वक्त तय करेंगे। मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है, अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। और बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ नेता दबी जुबान और विपक्ष के नेता खुलकर पूछने लगे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को क्या हो गया है। दरअसल नीतीश कुमार अपने मंत्री अशोक चौधरी के पिता की जयंती पर पहुंचे थे, जो फूल मंत्री के स्वर्गीय पिता की तस्वीर पर चढ़ाने के लिए रखे थे। वहीं से फूल उठाकर अपने मंत्री पर कुछ वर्षा नीतीश कुमार करने लगे थे। तब लोगों ने पूछा था कि क्या ये संवेदनशीलता है मुख्यमंत्री की। उससे पहले का वाक्या याद कराते हैं। भर्ती के मामले में आरजेडी के मंत्रियों को नसीहत देने लगे कि खुद क्रेडिट मत लीजिए, कहिए कि राज्य सरकार ने कराया, जबकि हकीकत यह है कि बिहार में तेजस्वी यादव ने ही सबसे ज्यादा रोजगार के मुद्दे को फिलहाल उठाया। शराबबंदी के बावजूद जब दिसंबर में मौतें हुई तो सदन में ही मुख्यमंत्री विपक्ष की को शराबी बताकर तेज तेज चिल्लाते हुए गुस्सा जताने लगे। शराबबंदी वाले राज्य में 50 से ज्यादा मौत के बाद सवाल उठा तो नीतीश कुमार शराब पीने वाले को ही जिम्मेदार ठहराकर गुस्सा जताने लगे, ये कहकर कि पिएगा तो मरेगा। आरजेडी के एमएलसी ने मंत्री का जवाब पूरा हुए बिना पूरक सवाल पूछ लिया तो सदन में ही उस एमएलसी पर त्योरियां नीतीश कुमार ने चढ़ा ली थी, आग बबूला हुए थे। अब भले नीतीश कुमार कहे कि वो शर्मिंदा है, अपनी निंदा खुद करते हैं, लेकिन उनके मंत्रियों को सुनेंगे तो लगेगा कि सिर्फ दिखावे की माफी मांगी गई। आपत्तिजनक सदन में बयान नहीं है। हर आदमी जानता है अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कोई विवाद है, जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको यही सब विवाद नजर आता है। क्या इस देश में कॉन्डोम का प्रचार नहीं होता है? क्या देश में सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों को चर्चा नहीं होती है? अब देश आगे बढ़ रहा है। वो व्यक्ति अगर कुछ ऐसा बोल भी दिया जिससे उनको लगा कि अगर ये उचित नहीं लगा लोगों को तो उन्होंने क्षमा भी मांगा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कर रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि ये जो आबाद आरक्षण की जो संख्या 65% हुई और 10% ईबीसी, ये नहीं चाह रहा है कि ये जनता के बीच में जाए। तो ये नीतीश कुमार को कि ये बोल दिए वो बोल दिए, वो प्रजनन दल को रोकने में अपनी पूरी भूमिका निभाएगी। उसका कैसे रोक सकती है उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है। तो भाई आजकल तो जो
प्रजनन दर रोकना है, उसमें तरह तरह की बात कही जाती है, परिवार नियोजन भी लोग कराते हैं। और बिहार के सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने परिवार नियोजन पर उतना बल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बल दिया कि जो लड़कियां हैं उसको हमको शिक्षित करना है, तो उसी को पूरी तरह से अवेयर करने के लिए। एक समय था जब नीतीश कुमार को उनकी भाषा और व्यवहार की सौम्यता के लिए भी जाना जाता था, लेकिन देखिए आज एक वक्त ऐसा भी है कि उनके मंत्री वजह तलाश रहे हैं कि किस तरीके से बचाव किया जाए। बहरहाल नीतीश कुमार के खिलाफ अब मुजफ्फरपुर के कोर्ट में याचिका दायर की गई है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री का कुछ नहीं होगा? दरअसल नीतीश कुमार ने सदन में जो बोला उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सदन में कही गई बात पर जनप्रतिनिधि को विशेषाधिकार का सुरक्षा कवच मिला रहता है। सदन में सांसद विधायक के किसी भाषण बयान पर कोई अदालत, कोई बोर्ड, कोई आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता। सदन में किसी भी गलत बात के लिए कार्रवाई का अधिकार सिर्फ सदन के अध्यक्ष या चेयरमैन के पास होता है। लेकिन बिहार में तो खुद ही सभापति ये मुहर लगा चुके हैं कि जैसे खुद की निंदा नीतीश कुमार ने कर ली, कोई कर ही नहीं सकता।